सो हमने 6.5 एक्सरसाइज के 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। और आई होप कि आपको सबको अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कैसे अप्लाई करना है, ये अच्छे से आ गया होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 5। A tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the original height of the tree. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि ग्राउंड से 5 मीटर की ऊंचाई से कोई ट्री है जो कि कट के गिर गया है। तो मान लिया कि ये हमारा ग्राउंड है एंड ग्राउंड से 5 मीटर की ऊंचाई पर ना, मतलब यहां से ये ब्रेक हुआ और ब्रेक होके क्या होगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा, ये गिर जाएगा। तो इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो यहाँ बेस से 12 मीटर दूर जाकर टच करता है। तो हमें इसकी हाइट, ओरिजिनल हाइट निकालनी ट्री की, मतलब कि पूरी यहां से यहां तक इसकी क्या हाइट थी वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो देखो अगर हम इस पूरे फिगर को एक राइट ट्रायंगल की अकॉर्डिंग बनाए तो मान लिया कि हमारा ये पूरा ट्री है 5 मीटर की हाइट से, सपोज ये ए पॉइंट से ब्रेक हो रहा है एंड लेट इट बी बी पॉइंट, तो ये कट के ऐसे झुक जाता है और सी पॉइंट पर टच करता है। तो हमें ये बी सी 12 मीटर दिया है और ग्राउंड और ट्री जो है वो परपेंडिकुलर होंगे, वर्टिकल होता है ट्री, तो हमारे पास यहाँ क्या है 90 डिग्री और लेट इट बी डी पॉइंट। तो देखो सबसे मेन चीज कि पूरी हाइट जो है ट्री की वो ये पूरी बी डी है, तो B से A तक हमें 5 पता है, हमें सिर्फ ये AD निकालना है। और AD भी किसके इक्वल है, AC के, क्योंकि ये जो आपका ट्री था पूरा वही कट के यहाँ पर AC की पोजीशन पे आ गया। तो अगर हम AC फाइंड आउट कर ले तो हमारे पास AD भी आ जाएगा एंड ऑन AD इज 5 एंड AD वी विल गेट द टोटल हाइट ऑफ ट्री। तो सिंपली हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में करते थे कि ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है ABC और इसमें एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है, तो हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारी, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड आउट करनी है, दिस इज एसी एंड परपेंडिकुलर इज 5, सो 5 स्क्वायर एंड बेस इज 12, सो 12 का स्क्वायर। तो देखो क्या आ गया हमारे पास, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 दैट इज 25 एंड 12 स्क्वायर इज 12 इंटू 12 दैट इज 144। नाउ 8 बोथ ऑफ दिस यू विल गेट 169। यस वी हैव एसी स्क्वायर इक्वल टू 169, क्योंकि 169 क्या होता है, 13 इंटू 13 इज 169 दैट मीन्स ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 13 का स्क्वायर हो गया दैट मीन्स कि एसी हमारा क्या हो गया 13 मीटर्स। तो जब हमारा एसी 13 मीटर्स है तो एडी भी क्या होगा 13 मीटर्स ही होगा। तो देखो टोटल हाइट जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगी 5 प्लस 13 दैट इज 18 मीटर्स जो है वो उसकी ओरिजिनल हाइट हो जाएगी। सो व्हाट वी हैव टू राइट द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज 5 मीटर प्लस 13 मीटर दैट इज 18 मीटर्स। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं वो आपने यहाँ पर सीखा। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव ट्रायंगल्स क्यू एंड आर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, दिस गिवन एज अ फिगर आल्सो, द एंगल्स आर 25 एंड 65 डिग्री, एंगल क्यू इज 25, एंगल आर इज 65 डिग्री, राइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इन तीनों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन आपकी ट्रू है सिर्फ हमें ये बता। ओके, लेकिन अब इसमें से कौन सी सही है ये जज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सब जगह हमारे पास दिख रहा है कि कुछ तीनों में पैटर्न जो है वो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कुछ लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर इस ट्राइंगल में ये थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल पी। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे थर्ड एंगल, यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो आप ऑलरेडी जानते हो व्हाट इज दिस एंगल सम प्रॉपर्टी, कि इसके तीनों एंगल का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो फॉर फाइंडिंग दिस एंगल पी पुट दिस वैल्यूज ऑफ एंगल क्यू एंड आर, अगर हम इसे सॉल्व करें देन यू विल गेट दिस 65 प्लस 25 इज 90 डिग्री। सो एंगल पी की जो वैल्यू
वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्रीज। तो देखो हमारे पास ये 90 डिग्रीज आ गया, मतलब कि ट्राइंगल पी क्यू आर जो है दैट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल है एंड एंगल पी आपका 90 है, दैट मीन्स कि हमारे पास इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और यह 90 डिग्री के सामने वाली साइड हम क्या लेते हैं, हाइपोटेनस। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारी क्यू आर है, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, जैसा कि परपेंडिकुलर और बेस हम कोई भी साइड ले सकते हैं। तो देखो आप इससे मैच, हम इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट है, वो हियर इज क्यू आर स्क्वायर। देखो इक्वल टू में क्यू आर स्क्वायर कहा मिलेगा हमें, यहाँ पर सेकंड कंडीशन में क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, और ये सेकंड कंडीशन जो है वो हमारी क्या है। Now let's say this question number 7 and 8, both these questions are very very important questions. So question number 7 mein kya diya hai, find the perimeter of rectangle whose length is 40 centimeters and its diameter is 41 centimeters. So simply hame kya pucha hai, rectangle ka perimeter pucha hai, hai na? So rectangle hum draw kare, so we have a rectangle aur iski ek length de rakhi hai aapko 40 centimeters and one diagonal is given as 41 centimeters. और हम इसका perimeter find out करें। तो आप already जानते हो कि perimeter of rectangle का क्या formula होता है? 2l plus b। तो देखो length है हमारे पास यहाँ पर, but breadth नहीं है इसकी। तो first of all हमें यहाँ पर breadth find out करनी है, उसके बाद हम perimeter find out कर पाएंगे। तो मान लो कि this is a b c d is a rectangle and here we know the property of rectangle that all the angles are of 90 degree. तो इसमें देखो आप ट्रायंगल ए बी सी पर फोकस करोगे तो इसकी टू साइड्स का मेजरमेंट हमें दे रखा है, लेकिन थर्ड साइड में, तो ऑब्वियसली हम क्या लगा सकते हैं इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं एंड वी फाइंड दिस थर्ड साइड बी सी जो कि हमारी ब्रेड्थ बन जाए। ओके, सो क्या कर रहे हैं देखो, एस दिस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन क्या है कि ए बी सी डी आपका रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, तो आपके पास सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ट्राइंगल बी भी 90 डिग्री है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो दिस इज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमने देखिए कि हाइपोटेनस स्क्वायर, दैट मींस हाइपोटेनस कौन सी होगी हमारी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, सो दिस 41 इज अवर हाइपोटेनस, सो 41 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, मान लो हम इसको एक्स मान लेते हैं, है ना, तो दिस इज एक्स स्क्वायर एंड बेस इज 40, सो 40 स्क्वायर। ओके, अब देखो स्क्वायर करके देखो आप 41 इंटू 41, आप अपनी रफ कॉपी में मार्क करके देखो क्या आता है, दिस इज 1681, सो हियर इट इज एक्स स्क्वायर एंड 40 का स्क्वायर हम ऑरल ही कर सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 और 10 के आप 20 पुट अप करो, सो अगेन ऑन सॉल्विंग वी गेट, देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस में है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, सो यू गेट 81 ऑन सब्ट्रैक्टिंग बोथ ऑफ दिस, सो हम ऑलरेडी भी जानते हैं कि 9 इंटू 9 इज 81, सो इजिली हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा x, x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर x आ गया दैट मीन्स कि हमारे पास ये ब्रेथ आ गई इसकी 9 सेंटीमीटर, और अब इसका पैरामीटर हम बहुत इजिली निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ये पैरामीटर इज perimeter of rectangle is 2 into L plus B. So put the values. This L is 40 and that is 9. So this is 2 into 49. That is 98 centimeters. Okay? So, अच्छा question है ये कि सबसे first हमने यहाँ पर जो measurement दिए थे, एक measurement आपको length का दिया, एक diagonal का दिया, उससे हमने third side निकाली using Pythagoras theorem जो कि हमारी breadth है, और फिर हमने perimeter का formula put up किया, तो answer आपका आ। Okay? अभी तो इसी तरह से कुछ रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 जो थोड़ा सा इससे हायर लेवल का है, क्या दिया है, अभी रेक्टेंगल का क्वेश्चन था ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑफ रिलेटेड टू रॉम्बस, है ना, तो देखो आपको रॉम्बस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, द डायमेंशंस ऑफ रॉम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। तो देखो यहाँ पे भी पैरामीटर ही पूछा है, सो रॉम्बस क्या होता है हमारे पास, ऐसा फिगर जिसमें हमारे पास साइड साइड्स इक्वल होती है और इसकी डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्टेड, है ना, देखो स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस है, स्क्वायर में हमारे पास सारी
90 डिग्री नहीं होती है ना। और इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है डायगनल्स के अकॉर्डिंग कि इसकी जो डायगनल्स है, मान लो इसको मैंने मार्क कर दिया ए बी सी डी, सो इट्स डायगनल ए सी एंड अनदर डायगनल इज बी डी, तो डायगनल हमेशा इसकी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी, है ना। देखो इन दोनों वर्ड ही हमारा पूरा आंसर रिलेट करेगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्टिंग है ना, डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर परपेंडिकुलरली। क्या मीनिंग है परपेंडिकुलरली, मतलब कि हमारे पास ये जो बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, वहां पर ये सारे एंगल हमारे 90 डिग्री होंगे एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब कि जो डायगनल्स है वो हमारे पास इक्वल पार्ट में पार्ट और डिवाइड होंगे, दैट मींस कि हमारे पास ए ओ इक्वल टू ओ सी मिलेगा और सेकेंड डायगनल जो है उसमें भी बी ओ इक्वल टू ओ डी आपको मिलेगा। तो देखो अभी आपका क्या हुआ, हमें मेजरमेंट्स दे रखे पूरी डायगनल के, AC का मेजरमेंट है सपोज 16 सेंटीमीटर्स एंड इस BD इज सपोज कि 30 सेंटीमीटर्स है, तो हमारे पास देखो AO का मेजरमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, जो ये पार्ट्स है AO और OC उसके हाफ पार्ट्स है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास AC का हाफ दैट मींस 16 का हाफ दैट इज 8 सेंटीमीटर्स हो जाएगा, और ऐसे ही BO और OD जो है वो हमारी क्या होगी 30 का हाफ हो जाएगा, दैट मींस BD जो डायगनल है उसका हाफ, सो 30 सेंटीमीटर्स का हाफ दैट मींस 15 सेंटीमीटर्स। तो देखो इससे हुआ क्या, सपोज मैं ये मिटा दूंगी अभी, तो अगर हम किसी एक ट्राइंगल को देखते हैं ना, जैसे इन ट्राइंगल डी ओ सी में देखे हम, तो हमारे पास ये जो मेजरमेंट है ओ सी वो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर्स, और ऐसे ही हमारे पास ये ओ डी आ गया 15 सेंटीमीटर्स। तो देखो अभी जैसा कर रहे थे हम वैसे ही, इस राइट ट्राइंगल में हमारे पास दो साइड का मेजरमेंट आ गया, तो हम थर्ड साइड जो कि हाइपोटेनस है वो निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और फिर हम इस रोम्बस का पैरामीटर भी फाइंड आउट कर पाएंगे। कैसे निकालो देखो, क्या है हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखो आपको ये सारी टर्म्स भी लिखनी है अपनी कॉपीज में, है ना, तो किसी के अकॉर्डिंग हम आगे नोट कर दें। सो हाइपोटेनस क्या है हमारे पास डी सी, परपेंडिकुलर इज 15, सो 15 स्क्वायर एंड बेस इज 8, सो 8 स्क्वायर। नाउ दिस डी सी स्क्वायर 15 स्क्वायर दैट इज 15 इंटू 15, आपको ऑरली याद होना चाहिए वैसे, दिस इज 225 एंड 8 इंटू 8 इज 62, दिस यू विल गेट 225 प्लस 64 इज 289। अब देखो यहां से भी इंपॉर्टेंट है कि 289 अगर आप 17 इंटू 17 करके देखोगे यू विल गेट 289, दैट मींस कि हमारे पास BC क्या हो गया 17 सेंटीमीटर BC आ गया। DC 17 सेंटीमीटर्स आ गया, दैट मींस कि क्या हुआ हमारे पास इसकी सारी साइड जो है वो क्या है 17 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि ये रोम्बस है हमारे पास और रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, यानी कि ऑल साइड्स जो है वो 17 सेंटीमीटर्स के मेजरमेंट की है, और अब आप इजीली इसका पैरामीटर निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा देखो, वैसे आपको पैरामीटर पता है क्या होता है, द सम ऑफ इट्स बाउंड्रीज, तो हम 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17 फोर टाइम्स करें तो आपके पास इसका पैरामीटर आ जाएगा, अदरवाइज पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज हम डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 4 इंटू साइड, जैसे कि हम स्क्वायर में करते हैं, स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है, यहां पर भी चारों साइड इक्वल है, सो हम यूज कर सकते हैं 4 इंटू साइड दैट इज 4 इंटू 17 दैट इज 68 सेंटीमीटर्स। ओके, तो इसका पैरामीटर आ गया आपका रोम्बस का, एंड विद दैट हमारा 6th चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया। देखो 6th चैप्टर में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे सारे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, पाइथागोरस थ्योरम, ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो सारे वीडियोस को देखो, तो आप बहुत इजीली ये चैप्टर को कर पाओगे और आगे की सारी क्लासेस में ये चैप्टर आपका काम आएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, टिल देन बाय।